पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद जियो सिनेमा की रेटिंग इतनी ज्यादा तेजी से गिरी थी कि इतनी ज्यादा तेजी से तो गौतम अडानी जी की नेटवर्थ भी नहीं गिरी थी। पर वहीं दूसरी ओर एल्विस यादव के बिग बॉस के घर के अंदर जाते ही जियो सिनेमा की रेटिंग कैसे बढ़ी है ये तो सभी को पता है। जिन जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी बिग बॉस को देखा नहीं तो उन्होंने भी इस बार बिग बॉस को देखा है एल्विस यादव और फुकरा इंसान की वजह से। तो फिर आज की इस वीडियो में हम एल्विस यादव के YouTube जर्नी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से उनको बिग बॉस में जाने का मौका मिला है और वहां पर जाने के बाद उन्होंने बिग बॉस का पूरा सिस्टम हिला के रखा है। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एल्विस यादव को ही बिग बॉस जीतना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को मैं बिग बॉस के विनर अनाउंसमेंट होने से पहले ही शूट कर रहा हूँ तो फिर मुझे नहीं पता कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। पर कुछ भी हो, हमें इतना तो पता ही है अगर एल्विस भाई बिग बॉस के अंदर गए हैं तो फिर वो सिस्टम हिलाकर ही आएंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 30 दिनों में एल्विस यादव के मेन चैनल पर 25 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए हैं और फिर वहीं अगर बात उनके ब्लॉगिंग चैनल की करें तो उस पर भी 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए हैं और वहीं अगर बात उनके इंस्टाग्राम की करें तो उस पर भी 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर गेन हुए हैं। और वहीं अगर एल्विस यादव के टाइप के सिमिलर चैनल की बात करें जैसे कि रियल हिट और वहीं एल्विस यादव के खास दोस्त हाफ इंजीनियर, इन दोनों ने तो अपनी यूट्यूब जर्नी को एक साथ ही स्टार्ट भी किया था। पर आज के टाइम पर तो एल्विस यादव के चैनल पर और इन दोनों चैनलों पर काफी ज्यादा डिफरेंट है नंबर्स का। पर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी नहीं है कि एल्विस यादव की वीडियो का कंटेंट और थंबनेल काफी ज्यादा बढ़िया होता है, पर इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा मैटर करती है एल्विस यादव की ग्रोथ में। इसका फर्स्ट रीजन है एल्विस यादव का देसी बदमाशी टाइप का कॉन्टेंट, जिससे कि इनकी वीडियो को देखकर आजकल का यूथ इनकी वीडियो से अपने आप को काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। और सेकेंड जो सबसे बड़ा रीजन है कि सभी जॉनर के अंदर कंटेंट बनाना, जैसे कि कॉमेडी वीडियोस बनाना, रोस्टिंग वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग वीडियोस बनाना, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना एक गेमिंग चैनल भी बनाया है जिसमें वो गेम वगैरह खेला करते हैं, जिससे कि हुआ कि एल्विस यादव की वीडियोस हर टाइप की ऑडियंस देखने लगी और उनके पास काफी बड़ी ऑडियंस आ गई। और एक काफी बड़ी ऑडियंस का होने का मतलब है कि आपकी ग्रोथ तो पक्की है। और अगर आप एल्विस यादव के ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि एल्विस यादव अपने सब्सक्राइबर से कितने ज्यादा लॉयल रहते हैं और वो अपने सब्सक्राइबर से हर एक चीज को शेयर करते हैं, जिससे कि होता क्या है उनके सब्सक्राइबर्स एल्विस यादव को अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं और अपने जैसा ही समझते हैं, जिसकी वजह से वो एल्विस यादव को इतना ज्यादा सपोर्ट और इतना ज्यादा प्यार करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि एल्विस यादव के हर एक मीटअप पे चक्का जाम होना तो पक्का ही होता है। और ये सब हो क्यों पाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एल्विस यादव के जो सब्सक्राइबर है वो एल्विस यादव को अपने जैसा ही समझते हैं, जिसकी वजह से वो एल्विस यादव को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है एल्विस यादव के जो सब्सक्राइबर्स है वो उनकी वीडियो उनके कंटेंट की वजह से नहीं देखते, बल्कि वो एल्विस यादव की वजह से देखते हैं। और अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्या है एल्विस यादव में जो उनके सब्सक्राइबर उन्हें इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं, तो फिर इसका सबसे बड़ा रीजन है एल्विस यादव की यूट्यूब जर्नी। जब उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया था तो एल्विस यादव के पास वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट काफी सारे कम थे, उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे से ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। और आपको पता है एल्विस यादव आज के टाइम पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के साथ साथ एक बिजनेस माइंडेड भी हैं। और ये तो सभी को पता है कि एल्विस यादव ने अपनी यूट्यूब जर्नी को कॉमेडी कॉन्टेंट क्रिएटर के तौर पर स्टार्ट किया था, पर आज के टाइम पर देखो वो एक रोस्टर भी है, वो एक ब्लॉगर भी है और वो एक गेमर भी है, और इसके साथ साथ वो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर भी है, और एल्विस यादव म्यूजिक एल्बम में भी काम करते हैं, और वो एक रैपर भी है, और इसके साथ साथ एल्विस यादव का एक क्लोथिंग ब्रांड भी है सिस्टम के नाम से। तो फिर अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि एल्विस यादव कितने बड़े बिजनेस माइंडेड हैं। तो फिर आप बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो कि बिग बॉस के अंदर एल्विस यादव को ही जीतना चाहिए। फर्स्ट, सिस्टम यानी कि एंटरटेनमेंट। तो फिर ये तो आप सभी को पता होगा कि जब तक बिग बॉस के घर के अंदर एल्विस यादव नहीं गए तो बिग बॉस को देखने में कोई खास ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। और सभी लोगों का तो नहीं पता पर मैंने तो बिग बॉस को कंटिन्यूसली देखना तभी स्टार्ट किया था जब एल्विस यादव बिग बॉस घर के अंदर गए थे। चाहे बिग बॉस के घर के अंदर सिस्टम के नारे लगाना हो, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, या फिर बिग बॉस घर के अंदर देसी कॉमेडी देना हो, लोगों को एंटरटेनमेंट करना हो, ये सारी चीजें एल्विस यादव के बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। और जो सेकंड पॉइंट है यह है वाइल्ड कार्ड एंट्री। और ये तो सभी को पता होगा कि बिग बॉस का कोई अभी तक वाइल्ड कार्ड प्लेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना ज्यादा एल्विस यादव है। और सलमान खान ने भी बोला था कि वाइल्ड कार्ड की एंट्री काफी ज्यादा टफ होती है उनके कंपेयर में जो कि बिग बॉस में पहले दिन से है, क्योंकि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हैं जब वो घर के अंदर एंट्री मारते हैं तो सारे ग्रुप घर के अंदर बट जाते हैं, सारे ग्रुप अलग अलग रहते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है एल्विस यादव का बिग बॉस विनर होने का, हम सभी लोग एल्विस यादव को सपोर्ट करते हैं, तो फिर यार एल्विस भाई को
ही जीतना चाहिए ना। तो फिर वैसे आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? और वैसे भी ये वीडियो तो मैंने विनर अनाउंसमेंट होने से पहले ही बनाई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एल्विस यादव ही जीतेंगे, देखो क्या होता है। और वैसे आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।